हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज का ब्लॉग जो है ना मैं कर रही हूँ लव बर्ड के रूम से स्टार्ट। अभी यहाँ पर मैंने और बिडो ने ना इनका पानी वगैरह चेंज किया है, तो इनको हम लोगों ने सोप जो है ना वो दे दिया है। आप लोग पूछ रहे थे कि आप लोग इनको खुराक में क्या क्या देते हैं, तो ये है इनका सोप फूड और ये इनका दाना और ये पानी है जिसके अंदर हम लोग यानी कि बार बार इनका पानी जो है चेंज करते थे। कभी इसके अंदर वाइटमिन होते हैं कैल्शियम होता है, कभी चुरखा होता है, कभी कोई सीरम वगैरह या कभी कोई सिरप वगैरह जिससे इनकी हेल्थ जो है ना वो ठीक रहे। तो इस तरह हम लोग डिफरेंट जो है ना इनको पानी वगैरह इनका चेंज करते रहते हैं। तो अभी मैंने ना उस दिन हम लोगों ने अपने फिंचेस के बॉक्स के अंदर मटेरियल रखा था, नेस्टिंग मटेरियल ना, तो लेट्स सी कि इन्होंने अंदर नेस्ट बनाया, कोई प्रोग्रेस हुई इनकी कि नहीं। ठीक है, तो चलो भाई पहले तो इनका जो है ना हम लोग बॉक्स चेक करते हैं, फिर आगे जो है ना हम लोग अपना बाकी काम जो है ना वो भी देखते हैं आज क्या क्या करना है। तो मैं चेयर रख लूँ। अभी हम लोग जो है ना चेक करते हैं इसका बॉक्स। हाँ भाई बाकी सारे तो बाहर है, पता नहीं अंदर कोई है भी सही कि नहीं। हाँ भाई अंदर कोई है। ओ वाओ गाइस ये देखें, इन्होंने नेस्ट भी बना लिया अपना और इसके अंदर इनके अंडे भी पड़े हुए हैं दो। माशाल्लाह से इन्होंने तो अंडे भी दे दिए। देखा हम लोगों ने अभी नेस्टिंग मटेरियल इनके बॉक्स में रखा ही है, तो इन्होंने जो है ना अंडे भी दे दिया है। अभी जो हमारा सिल्वर वाला है ना उसका भी चेक कर लेते हैं बॉक्स। तो ये हमारा जावा ग्रे वाला केज है, तो इसका भी जो हम लोग बॉक्स चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोग्रेस हुई है। वाओ माशाल्लाह से यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा अंडे पड़े हैं। तो गाइज़ ये देखिए इन्होंने 5 अंडे यहाँ पर दे भी दिए हैं माशाल्लाह से। तो गाइज हमारी जावा फिंचेस जो है ना दोनों ने अपने बॉक्स में अंडे जो है ना वो दे दिए दोबारा से। इस जावा फिंच ने सिर्फ 2 अंडे दिए और वहाँ पर जो ग्रे फिंचेस है ना उसने माशाल्लाह से 5 अंडे जो है ना दे दिए। चलो भाई ये तो अच्छा हो गया। अभी मैं आप लोगों से एक और चीज़ शेयर करने लगी हूँ, वो है एक ट्रिक है। अगर आपके यानी कि पैरेट के अंडे टूट जाएं तो उनके अंदर यानी कि बच्चे भी बन रहे हो, वो इनक्यूबेट भी उनको कर रही हो, तो उसको कैसे जो है ना जोड़ सकती है आप लोग। ठीक है, तो बाबा ने ये पिछली दफ़ा भी एक दफ़ा आजमाया था, इस दफ़ा दोबारा उन्होंने किया तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये है नेल पेंट, आप नेल पेंट के साथ ना अंडों के ऊपर नेल पेंट लगा लें, उससे जो है ना शेल उनका टूटेगा नहीं और उसके अंदर बिल्कुल भी हवा जो है ना बिल्कुल नहीं जाएगी। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा ही किया है, इसके अंदर पैरेट है, मैं इसको बाहर निकाल लूँ। चलो पैरेट जो है ना दोनों बाहर निकल गए और ये देखिए गाइस यहाँ पर वो अंडा आपको सामने एकदम नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हम लोगों ने नेल पेंट लगाई है और ये अंडा जो है ना एकदम ठीक है, इसके अंदर बच्चा जो है ना वो मूव कर रहा है। अब इसका इंतज़ार है कि ये कब जो है ना इसमें से बच्चा निकलता है। चले आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके जो है ना अंडे की शेल जो है ना पैरेट के टूट जाए तो आप उसके ऊपर नेल पेंट लगा के ट्राई कर सकते हैं। हर्ज नहीं है, फेंकने से अच्छा है कि आपको उसके ऊपर नेल पेंट रख के उसके नीचे वापस रख दे। अभी हम लोग चलते हैं ऊपर, मुर्गियों को रोटी देनी है। चलो और यहाँ पर जो है ना अरु को आज छुट्टी, फिर इसने सुबह सुबह जो है ना अपने बच्चों वाले काम जो है ना वो स्टार्ट कर लिए हैं। अरु दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा है? चलो चलो करो करो, चलो मैं चले जाती हूँ साइड से, जाओ। तो बिरू जो है ना ऊपर पानी वगैरह चेंज कर दिया सबका, सबको कर दिया इतनी जल्दी, और चूज़े जो है ना वो बाहर निकले हैं सारे। और अभी मेरे हाथ में ना इनके लिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं, चलो इनको केज में देते हैं जाके। आ जाओ टूट पड़ो इस पर खाने पर, बाकी सारे किधर है? ये जो बाहर है ना इनको मैं केज में करती ताकि ये जाके अपना फेवरेट फूड जो है ना वो खा सकें। चलो चलो और भाई केज में चलो। ये देखें अब इनको पता चल चुका है ना कि यहाँ पर है हमारा खुराक, हमारी असली फूड। तो गाइस यहाँ पर हमारे चूजे जो है ना यहाँ पर ये अपना खाना खा रहे हैं और मुर्गियाँ और टर्की बर्ड को मैंने यहाँ पर ना दाना और वो जो किचन मटेरियल था ना वो भी मैंने इनको दे दिया। अभी हम लोग अपनी लास्ट वाली मुर्गी को चेक करते हैं जो अंडों के ऊपर बैठी हुई है कि भाई वो क्या कर रही है।
तो गाइस यहाँ पर हमारी मुर्गी जो है ना अभी भी बैठी हुई है अंडों के ऊपर, तो इसके हम लोग ने ना दोबारा कैंडलिंग करनी है। अभी हम लोगों को इसका जो है ना सही जो रिज़ल्ट है ना वो मिल जाएगा। काफ़ी दिनों से ये बैठी हुई है, ये बिल्कुल भी नहीं उठी यहाँ से। अगर अंडे ख़राब हो ना तो मुर्गी जो है ना उन अंडों को बाहर निकाल देती है खुद ब खुद ही ना, बट इसने अभी तक कोई अंडा नहीं बाहर निकाला। तो हम लोगों ने भी सोचा कि इसको रहने ही देते हैं, इसको नहीं उठाते अंडों में से ना, तो शायद क्या पता अंडे जो है ना वो बन जाए। तो अभी हम लोगों ने कैंडलिंग नहीं की है, इसको बस वैसे ही रखा हुआ है। इंशाल्लाह कल जो है ना हम लोग इसकी कैंडलिंग करेंगे। और मुर्गी के केज में ना हम लोगों ने इसको सॉफ्ट फूड दिया हुआ है ताकि वो जो है ना सॉफ्ट फूड खाती रहे, वो खुद ही उठ जाती है और दाना जो है ना वो खा लेती है खुद ही, तो फिर अपनी जगह पर जाके बैठ जाती है। अभी हम लोग पिजन वाले केज में चलते हैं कि पिजन हमारे क्या कर रहे हैं। पिजन को भी जो है ना दाना और सॉफ्ट फूड जो है ना हम लोगों ने इनको दे दिया। तो ये हैं हमारे कुछ प्यारे प्यारे से छोटे मोटे कबूतर। वाओ, ओए इन्होंने अंडा दे दिया, कल तो नहीं था दिया इन्होंने अंडा, आज ही दिया। तो गाइज हमारा इस पेयर ने ना एक अंडा दे दिया है। ओए ये तुम जो काट रही है, मैं इसका अंडा पकड़ने लगी थी। तो गाइज माशाल्लाह से हमारा ये जो प्यार है ना इसने अंडा दे दिया। तो ठीक है भाई मुझे ना काटो, ठीक है मैंने ये पकड़ दिया आपका अंडा। भाई इसने तो मुझे काट दिया, अब इसने एक ही अंडा दिया दूसरा अंडा नहीं दिया। और यहाँ पर ये हमारा जो बच्चा वाला एक पेयर है, इसका बच्चा भी आज जो है ना अपने पैरों पर खड़ा हो गया फाइनली। ये इतना स्लो ग्रो कर रहा है ना, बहुत ही ज्यादा स्लो ग्रो कर रहा है ये। तो बाकी इसके साथ के जो है ना वो अपने बॉक्स में से निकल चुके हैं, ये अभी तक अपने माँ के आंचल में बैठा हुआ है। और भाई ब्राउनी, ब्राउनी ने जो एक अंडा दिया हुआ था, देखते हैं उसका क्या बना क्या नहीं बना। ओए माशाल्लाह से उसमें से बच्चा भी निकल गया है। हाँ ओए माशाल्लाह यहाँ पर दो बच्चे हैं, है मैंने तो चेक ही नहीं किया। आई थिंक सो कि शायद बीरू ने या बाबा ने वहां पर ना दो अंडे रख दिए होंगे। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके नीचे तीन अंडे पड़े हुए हैं, तो उसमें से दो बच्चे जो है ना वो निकल गए हैं। ये देखें गाइज, ये देखो हमारे ब्राउनी ने ना दो बच्चे निकाल लिए हैं। अभी ये जैसे बड़े होंगे थोड़े से तब हमें पता चलेगा कि इसके अपने बच्चे हैं या फिर किसी और यानी कि कबूतर के हैं। वैसे माशाल्लाह से छोटे छोटे इतने प्यारे इतने क्यूट लगते हैं ना ये। अभी भी इसके नेस्ट में ना एक अंडा पड़ा हुआ है, वो पता नहीं अभी उसमें से कोई बच्चा निकलता है कि नहीं निकलता। ब्राउनी ये मेरी सबसे फेवरेट ब्राउनी है, चलो इसको वापस इसके नेस्ट में रख देते हैं। पहले बच्चे रखते हैं उसके बाद जो है ना हम लोग ब्राउनी के ऊपर रख देते हैं। चले भी थैंक यू सो मच अरु, अरु ने अच्छी वीडियो बनाई होगी मुझे पता है अरु का। और यहाँ पर हमारा एक ये वाला पेयर भी है, ये भी काफी दिनों से जो है ना बैठा हुआ है। हाँ भाई इसने अंडा दिया है कि नहीं दिया? उसने दो अंडे दे दिए। किसने? इसने। आपको नहीं था पता? बिल्कुल भी नहीं था पता, उसने तो काफी दिनों से अंडे दिए हैं। उसके अंडों में से भी जो है ना अभी बच्चे भी निकलने वाले हैं, इतने पुराने हैं इसके अंडे। देखते हैं हम लोग इसके अंडों का क्या बना है, कोई क्रैक आया कि नहीं आया। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस यहाँ पर एक छोटा सा हल्का सा क्रैक जो है ना वो आ चुका है, आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ही माइनर सा क्रैक है यहाँ पर ना, ये देखें। इसको वापस रख देते हैं और ये वाला अंडा चेक करते हैं, इसके ऊपर नहीं अभी कोई भी क्रैक आया ना, तो इसको वापस रख देते हैं हम लोग। काफ़ी गर्म किया हुआ है इन्होंने अंडा। और नीचे हमारा ये जो पेयर है ना, ये भी इनकी भी आपस में एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। अभी देखते हैं कि ये कब जो है ना अंडा देते हैं। कौन सी? वो न्यू पहले नहीं थी? तो गाइज अरु कह रही है कि इस केज में जो है ना ये कबूतरी ये न्यू है, पहले नहीं थी। अरु नहीं ये पुरानी है,
इन्होंने दो अंडे दिए हुए थे, इनके अंडे मेरे ख्याल खराब हो गए हैं, वो फेंक दिए हम लोगों ने। पता नहीं अरु सही कह रही है कि नहीं, बट मुझे तो पुरानी लग रही है। बट अरु कह रही है कि ये पुरानी नहीं है, ये नहीं है, अभी लेकर आए हैं कोई। और नीचे गाइस हमारे इस पेयर ने भी अंडे दिए हुए हैं। आज जो है ना मैं अंडे चेक कर रही हूँ सब के, कि इन अंडों का क्या रिजल्ट आया है। तो गाइस वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ना उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही, क्योंकि अगर मैंने उसको तंग किया ना तो उसने ऐसी बदवा देनी है कि मेरे यहीं पर ना कमर में मोच आ जानी है, बल पड़ जाना है। तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा तंग नहीं किया। उसके अंडे जो है ना अभी यहीं पर पड़े हैं, तो मेरा ख्याल है उसके अंडे में से बच्चे जो है ना काफ़ी जल्दी निकलने वाले, या तो निकल जाएंगे या फिर ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि शेल जो है थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक अंदर से नज़र आ रहा है। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, जैसे थोड़ी धूप शूप निकलती है ना तो फिर ऊपर आते हैं। ठीक है गाइस, अभी इस टाइम हमारे जितने भी ये सारे यहाँ पर बर्ड्स और पैरट और पिजन्स हैं ना, ये एकदम सहम चुके हैं। और उसकी वजह क्या है? बिल्ली, बिल्ली आई हुई थी अंदर कमरे में। हम लोग ने ये दरवाज़ा खोला हुआ था, बाहर वाला भी दरवाज़ा खुला था। बिल्ली जो है ना बेचारी यहाँ पर घूम फिर के यहाँ से गई है, और सारे बर्ड जो है ना खामोश एकदम स्टैचू होके खड़े हुए हैं यहाँ पर। वरना इस टाइम इनका इतना ज़्यादा शोर होता है और एकदम ये खिलखिला के हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। और अभी यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल जो है ना स्टिल एक जगह पर खड़े हैं। अरु देख लो कोई यहाँ पर नुकसान तो नहीं हुआ? ये यहाँ पर पड़े हैं, बट नहीं ये दोनों पूरे हैं, सीसलाम आता है यहाँ पर, ये वहाँ पर भी दोनों हैं, वहाँ पर भी दोनों हैं, यानी कि शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। बिल्ली इनको बिल्ली इनको नहीं लेकर जा पाई। हाँ वहाँ पर वो दोनों थे। चलो भी गुड हो गया, ये तो है बच गए बर्ड्स। तो गाइस आप सबको मुबारक हो, आज है शबे मिराज की रात, और आज हम सब ने अपने अपने लीडर्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा दुआ मांगनी है कि हमारा जो आने वाला लीडर है वो 5 सालों में उसको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, पाकिस्तान को तरक्की दे, और उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ठीक है, तो अरु वो जो दाने वाला शॉपर है ना वो उठा के ना चूज़ों वाले केज में जैसे उनको दाना डाल दो, कुछ जो है ना हम लोगों ने पिजे उनके केज में रखना। ठीक है, तो जल्दी से वो शॉपर लेकर आओ, मैं केज खोलती हूँ चूज़ों का। भाग कर स्पाइडरमैन ना बनो, सुपरमैन बनो, सुपरमैन। चलो गिर गई तुम शॉपर के वजन से है। जल्दी से जो है ना पिजन्स को भी दाना डाल दो, और हमारी ब्राउनी ने जो है ना बच्चे दिए हुए हैं उसने अपने बच्चों को खाना भी खिलाना है। चलो इसमें रख दो सारा दाना। चलो अभी अरु मुर्गी इन टर्की बर्ड को भी डाल दो, इन्होंने अंडा नहीं दिया। वो उधर देखना अरु, वो उधर, हाँ वहाँ पर कॉर्नर में देखो ना, शीट के पीछे है कोई अंडा ऐसा देखना नहीं है। चलो मुर्गी क्योंकि टर्की बर्ड बोल रही थी, मुझे लगा शायद इसने अंडा दे दिया। तो गाइस अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड, अभी मैंने अपने सारे बर्ड्स को ना दोपहर का जो उनको फीड वगैरह होती है वो उनको दे दिया, वो बड़े मज़े से खा रहे हैं यहाँ पर। ये देखें पिजन्स भी जो है ना खा रहे हैं, चूजे भी लगे हैं खाने, मुर्गियाँ भी। तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड, और आज आप सबने दुआ मांगनी है, ठीक है, अपने लिए, मेरे लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए। ठीक है, मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दो और शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, बाय।